हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि एक फ्लेंज ड्रॉ करेंगे। यह एक फ्लेंज है जिसमें कि सारे डायमेंशन एमएम में दिया गया है। तो चलिए फ्लेंज ड्रॉ करते हैं। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में एक सर्किल है जिसका कि डाया 25 mm है। तो हम सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका कि डाया 25 mm। ओके, दूसरा एक छोटा सर्किल है जिसका कि डाया 9 mm है। और इन दोनों के बीच का सीडी 25.5 mm है। तो हम सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका कि डाया 9 mm और इन दोनों के बीच का सीडी 25.5 mm। अब इसमें रिलेशन लगाइए इस पॉइंट और शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को मेक वर्टिकल। ओके, इसकी क्वांटिटी 4 है जो कि सेम पीसीडी पे है। तो हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे। एंटिटी टू पैटर्न सेलेक्ट कीजिए, सर्किल फोर नंबर। ओके, इसको ड्रैग कीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मेक कॉन्सिडेंट। ओके, अब इस आर्क का रेडियस 8.5 mm है और ये भी 4 हैं। तो हम आर्क कमांड की मदद से थ्री पॉइंट आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। इसका और इसका मर्ज पॉइंट, इसका रेडियस 8.5। एंटर। ये 4 हैं तो सर्कुलर पैटर्न एंटिटी टू पैटर्न में सेलेक्ट कीजिए आर्क को और ये 4। ओके, अब यहाँ पे भी एक आर्क है जिसका रेडियस 21 mm है। हम आर्क कमांड की मदद से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। इस आर्क और इस आर्क को मैक टेंजेंट, इस आर्क और इस आर्क को मैक टेंजेंट। अब इसका डायमेंशन दीजिए 21 mm रेडियस। ये भी 4 हैं तो हम सर्कुलर पैटर्न में सेलेक्ट करेंगे इस आर्क को और 4। ओके, तो देखिए ये फ्लेंज बन के तैयार हो गया। स्केच से बाहर जाइए। इसे सेव करने के लिए यहाँ पे सेव का आइकन दिया गया है, इस पे क्लिक करें और आपको जिस फोल्डर में सेव करना है, जैसे हमें स्केच लेक्चर में स्केच प्रैक्टिस स्केच
प्रैक्टिस 3 के नाम से सेव करना है, तो सेव कीजिए। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।